मूविंग ऑन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देर इज नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज। तो यस, इस्लाम इस बात की कदर करता है, इंसानी जज्बात की कदर करता है कि आपको कोई पसंद आ गया, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसे हलाल तरीके से फॉलो करो, अगले पे भी रहम करो, अपने आप पे भी रहम करो, निकाह की तरफ जाओ। तो निकाह की ट्राई करना, डिफरेंट सोर्सेज से ट्राई करना ये बहुत जरूरी है, चाहे आपकी उम्र छोटी है। अल्लाह ताला ने चाहा तो छोटी उम्र में भी हो जाएगा, लेकिन मसला ये भी है कि ये भी डिसाइड करना कि अगला मेरे से मेरे लिए फिट है कि नहीं है। माँ बाप की अपनी एक ज़हनियत होती है, सोच होती है। आप लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यार मुझे उससे मोहब्बत है, अब वो मोहब्बत भी पता नहीं डेफिनेशन उसकी क्या आपके लिए, लेकिन चले मान लेते हैं आप ये देखते हैं मुझे अगले से मोहब्बत है या अगली से मोहब्बत है, और आप ये देख रहे होते हैं कि ये मेरे सारे क्राइटेरिया पे वो पूरी उतरती हैं, मेरी केयर भी करती हैं, या ये मेरी केयर करते हैं, या ये मुझे टाइम भी देते हैं, मेरी बातें भी सुनते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन माँ बाप की नज़र एक और होती है, वो देख रहे होते हैं बड़े एंगल से कि यार दोनों खानदान आपस में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। उन्हें वो प्रॉब्लम मसाइल, वो मसाइल पता होते हैं हमारी सोसाइटी के, जो आप अभी नहीं देख सकते, जो आपको अभी नहीं समझ आ सकते। इसलिए माँ बाप को बिल्कुल ही साइड पे करके ये कहना कि नहीं, मैंने करना ही यहाँ पे है, मैंने जो मर्जी आप कर लें, मैं तो बस यहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो मोस्ट ऑफ देम आई हैव सीन एंडिंग अप इन डिवोर्सेस या एंडिंग अप इन डिप्रेशन व्हेन दे कम टू नो आफ्टर मैरिज के यार वाकई मसले तो बहुत है। वो जो शादी से पहले की शेरो शायरी और गाने गाना और एक दूसरे की केयर करना, वो सब निकल जाता है शादी के बाद, जब प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई चीज हेल्प करती है तो वो यही तीन चीजें, मवद्दा, कंपैशन, मर्सी, और फिर एक दूसरे को सुकून देना। इसलिए डिसीजन लेते हुए भी बहुत अकलमंदी का मुजाहिरा करें, और ये अकलमंदी हर कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि जब बंदा इस स्टेट में होता है तो उसको समझ कोई नहीं आती। आप जितनी मर्जी सेंस उसमें पुट करने की कोशिश करें, तो अल्लाह से दुआ करें कि उसमें कुछ सेंस आ जाए और उसको समझ आ जाए कि यार जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं, मैंने हर एंगल से देखना है कि क्या हर एंगल से ये मामला मेरे लिए ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे पसंद है और बस लेट्स गो फॉर इट, ये तो बेवकूफाना एक सोच है ना। सो दिस डज नॉट सूट अ मोमिन। मोमिन अकलमंद होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमिन जो है वो बहुत अकलमंद होता है, अकल से काम ले।